प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज की थी, ऐसे ही क्रॉस प्रोडक्ट की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। उसने ये नहीं कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसने क्या कहा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, यानी कि डायरेक्शंस को छोड़ दें, ओनली वैल्यू। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, इट गिव्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप सोचिए ये क्या बात बनी, ए वेक्टर बी वेक्टर की बातें हो रही हैं, आई कैप जे कैप, ये पैरेललोग्राम बीच में कैसे आ गया? ऐसे आया, इमेजिन करो आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम में क्या होता है, दो साइड्स हैं, ये जो साइड है उसकी लेंथ क्या होगी ए, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा ए, इसकी लेंथ क्या होगी बी, ये ए और ये बी, और ये मान लो एंगल क्या है थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन ऑफ थीटा क्या होगा, दिस साइड अपॉन बी, तो ये साइड क्या बनेगी बी साइन थीटा। तो अगर मैं ये पूछूं कि ये साइड ए है और इनके बीच में डिस्टेंस बी साइन थीटा है दो पैरल साइड्स में, तो बोलो इसका एरिया कितना है। तो एरिया क्या होता है, मल्टीप्लाई कर दें ए को किससे मल्टीप्लाई करें बी साइन थीटा, तो इसका पैरेललोग्राम का एरिया बोलो क्या आएगा ए बी साइन थीटा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो अगर दो साइड्स हैं ए एंड बी और आपको एरिया निकालना हो तो ए बी साइन थीटा, राइट, क्लियर है। अच्छा अब सपोज करो मैं आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देना चाहता निकालने के लिए देना चाहता हूँ, ए की वैल्यू और बी की वैल्यू मैं आपको दे देता हूँ, थीटा दे देता हूँ, तो आप ए बी साइन थीटा से आंसर निकाल देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं आपको क्वेश्चन ऐसा दूंगा ही नहीं ए और बी और थीटा, क्यों, ये तो मैथ्स की प्रॉब्लम हो गई यार, मैं आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थोड़ा निकालने को दूंगा, मैं आपको फिजिक्स की प्रॉब्लम दूंगा, मैं आपको दो साइड्स दूंगा पैरेललोग्राम की वेक्टर फॉर्म में, जैसे ए वेक्टर दूंगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, मैं बी वेक्टर दूंगा जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप, और अब कहूंगा कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालो। तो साइड्स गिवन होती, एंगल गिवन होता, फिर तो मैथ्स से आ ही गया था आंसर ए बी साइन थीटा, पर वेक्टर फॉर्म में अगर गिवन हो तो आपको ये पता है कि ए क्रॉस बी, अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो ए क्रॉस बी का क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आएगा, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप को यूनिट वेक्टर, और अगर मैं यहाँ मॉड लगा दूं, मॉड का मतलब ओनली मैग्नीट्यूड, तो एन कैप तो उड़ जाएगा, एन कैप तो डायरेक्शन शो कर रहा है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है वन, तो मेरे पास क्या बनेगा ए बी सिर्फ साइन थीटा, तो यही क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग ए एंड बी एंड थीटा आई विल गिव यू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, और फिर क्या लेंगे उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, आपके पास आंसर आएगा। मैं करके दिखाता हूँ क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे आएगा साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर गिवन बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आपको ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट, क्लियर है। तो मैंने आपको क्या सिखाया, जब वेक्टर फॉर्म में ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है तो आप पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लें, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे निकलेगा, मैट्रिक्स बनेगा आई कैप माइनस जे के, ए का ए वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 1 1 2, बी वेक्टर का कोफिशिएंट क्या है 2 3 1, तो लिख लिया, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लें, क्रॉस प्रोडक्ट सबको निकालना आता है, आई से स्टार्ट करेंगे, आई को स्टार्ट करते हुए इसको छोड़ देंगे तो 1 into 1 minus 2 into 3, माइनस जे से स्टार्ट करेंगे 1 into 1 minus 2 into 2, के से स्टार्ट करेंगे 1 into 3 minus 1 into 2, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ये आंसर आ गया। पर ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम थोड़ी ना है, ये क्या आया ए क्रॉस बी आया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा इसका मैग्नीट्यूड। अब बताओ अगर मैं मॉड लगाऊंगा तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशियंट, तो इसको सॉल्व करेंगे आंसर अंडर रूट ऑफ 35 एरिया आ गया पैरेललोग्राम का। तो पॉइंट समझ में आया कि आपको अगर तो मैथमेटिकल साइड्स गिवन है और एंगल गिवन है फिर तो मैथ्स का क्वेश्चन है ए बी साइन आंसर, पर आपको वेक्टर फॉर्म में दूंगा ए वेक्टर बी वेक्टर, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालने के लिए सबसे पहले आप निकाल लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, आपका आंसर आई जे के में ही आएगा, फिर आप क्या निकालेंगे इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपको क्या देगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है कि हाउ टू कैलकुलेट एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर गिवन है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए,
मतलब अगर मैं ए क्रॉस बी की ऑर्डरिंग चेंज करता हूँ, बी क्रॉस ए कर देता हूँ, तो मुझे साइन क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। हमने किया ये चीज़ कैसे? अगर मैंने आपसे पूछा आई क्रॉस जे निकाल लो, तो आपने क्या बोला? के। जैसे ही आपने ऑर्डर चेंज किया जे क्रॉस आई, तो आपको क्या लगाना पड़ा? माइनस। यानी कि ये डॉट प्रोडक्ट की तरह नहीं है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लो या बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर लो, एक ही आंसर आएगा? नहीं आएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में डायरेक्शन का फर्क जरूर पड़ेगा। जैसे आई क्रॉस जे के कैप है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप है, डायरेक्शन विल बिकम नेगेटिव, तो इसलिए साइन क्या आएगा? नेगेटिव। तो याद रखना, आज के बाद अगर ए क्रॉस बी गिवन है और इसकी वैल्यू बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होती, अगर इक्वल करनी है तो साइन आगे क्या लगाना पड़ेगा? नेगेटिव। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर पैरेलल या एंटी पैरेलल। पैरेलल किसे बोलते हैं? ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल क्या है? जीरो। इसको बोलते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर आर पैरेलल। एंटी पैरेलल किसे बोलते हैं? ए वेक्टर इधर, बी वेक्टर इधर, तो ये एंगल कितना हो गया? 180, तो एंटी पैरेलल। तो अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं या इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल हैं, तो या तो एंगल उनके बीच में जीरो होगा, पैरेलल के केस में जीरो होगा, एंटी पैरेलल के केस में 180 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो उस केस में जब आप इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस बी, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम या तो जीरो होगा या 180 होगा। मैथ्स में साइन जीरो जीरो होता है, तो आंसर क्या आएगा? जीरो। यानी कि अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, दे आर इन सेम डायरेक्शन, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। और अगर एंटी पैरेलल हैं, तो एंगल क्या पुट करना पड़ेगा? 180, और मैथ्स में साइन 180 भी जीरो होता है, तो आंसर फिर से क्या आएगा? जीरो आएगा। तो एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या देगा? जीरो आंसर देगा। एक प्रॉपर्टी हमने डॉट में भी की थी, अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। तो अब आप एक काम करेंगे, दो प्रॉपर्टी याद करेंगे। अगर तो न्यूमेरिकल आया कि ए वेक्टर लो बी वेक्टर लो, जैसे ए वेक्टर लो आई कैप जे कैप के कैप, बी वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप प्लस के, कुछ भी दे देगा, आपको कहेगा चेक करो ये दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं या नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे? अगर वो परपेंडिकुलर हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और आंसर क्या आएगा? जीरो। अगर जीरो आ गया, इसका मतलब परपेंडिकुलर है, अगर जीरो ना आया, परपेंडिकुलर नहीं है। और अगर क्वेश्चन ऐसा आया, गिवन ए वेक्टर गिवन बी वेक्टर, बताओ ये वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं कि नहीं, तो अगर पैरेलल चेक करना है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दें। अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, यानी कि वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं, और अगर नहीं आया, वो पैरेलल नहीं है। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक? देखो इस केस में ए क्रॉस बी, मान लो आपको ए वेक्टर गिवन है और बी वेक्टर गिवन है, और आपने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया और आपका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो यानी कि दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल होंगे या एंटी पैरेलल होंगे, यानी कि या तो एंगल जीरो होगा या 180 होगा, कुछ भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन पूछने वाला ये थो ना पूछ रहा है कि ए ले लो बी ले लो और बताओ पैरेलल या एंटी पैरेलल, ना, वो तो वेरिफिकेशन के लिए दे रहा है, गिवन ए वेक्टर गिवन बी वेक्टर, वेरीफाई करो दो वेक्टर पैरेलल हैं या नहीं है। अगर तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो आप लिखेंगे हाँ वो पैरेलल है, और अगर नहीं आया, तो पैरेलल नहीं है, बस सिंपल। तो मेरी शीट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, हम ट्राई करेंगे, बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कैसे चेक करने हैं? तो परपेंडिकुलर चेक करने के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो और पैरेलल चेक करने के लिए क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ठीक हो गया यहाँ तक। इसके बाद ये प्रॉपर्टी ठीक है, न्यूमेरिकली वैसे भी क्लियर ही है, एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट जब लिया जाता है, जैसे ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर से लेना है, तो क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन ए एंड ए। एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होता है? जीरो, तो आंसर क्या आएगा? नल वेक्टर आएगा, जीरो आएगा। एक वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो। यानी कि अगर न्यूमेरिकल आता है ए क्रॉस ए, सीधा पुट कर दो जीरो, बी क्रॉस बी जीरो, आई क्रॉस आई
जीरो, जे क्रॉस जे जीरो, क्लियर है। तो कोई भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली, और उनका मैं अगर मॉड निकालता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड वैल्यू निकालता हूँ, वैल्यू में एन कैप की वैल्यू वन हो जाती है क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप क्या होता है, वन। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिर्फ ए बी साइन थीटा। तो अगर दोनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो थीटा को क्या पुट करेंगे, 90, साइन 90 क्या होता है, 1। तो आंसर सिर्फ क्या आएगा, ए बी। तो चलो ये प्रॉपर्टी याद करने की तो नहीं है, जब पेपर में आएगा या न्यूमेरिकल करते हुए आएगा हम थीटा 90 पुट कर देंगे, अपने आप ही आंसर ए बी बच जाएगा। बट पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे सोचना है आपने, ठीक है। यहाँ तक एक फॉर्मूला आपकी बुक्स में गिवन है, लेकिन मेरे हिसाब से ये अभी रोटेशनल मोशन के अंदर एक टॉपिक में आएगा, पर क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ इसी में यूज़ होती हैं, कहीं क्वेश्चन में यूज़ भी हो जाए तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पर। हम एक टर्म कैलकुलेट करेंगे जिसको टॉर्क बोलते हैं, टॉर्क या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स, एक ही बात है, टॉर्क या मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ वेक्टर, टॉर्क वेक्टर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर होता है। आपको याद होगा यूनिट्स एंड डायमेंशन में टॉर्क आया था, मैंने बताया था रेडियस को आर को एफ से मल्टीप्लाई कर दो बस, पर मैंने उस टाइम वेक्टर नहीं करवाया था, अब मैंने करवा दिया। अब आर जो होता है वो वेक्टर होता है, एफ जो होता है वो वेक्टर होता है। अब दो वेक्टर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बीच में या तो डॉट आएगा या फिर क्रॉस आएगा। तो यहाँ पर क्रॉस आता है, इसलिए क्रॉस आता है क्योंकि टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क वेक्टर होता है, तो मुझे क्रॉस यूज करना पड़ेगा। ये आप याद ही कर लें, जैसे आपको न्यूमेरिकल कुछ ऐसा आ सकता है, अगर आया कि आपको क्वेश्चन में वो आर वेक्टर दे देगा, किसी भी क्वेश्चन में वो आपको आर वेक्टर देगा, जैसे आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वो आपको एफ वेक्टर देगा, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आपसे टॉर्क वेक्टर पूछेगा। तो टॉर्क वेक्टर में क्या करेंगे, आर क्रॉस एफ मैट्रिक्स बनाएंगे, आई माइनस जे और के, इसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट, क्रॉस प्रोडक्ट, आंसर आई जे के में आ जाएगा, वो आंसर होगा। इन केस अगर आया तो मेथड क्लियर है सबको कैसे करना है, ठीक है। इसमें F क्रॉस R नहीं कर सकते, R क्रॉस F ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। कहां से आया, क्यों आया, ये रोटेशनल मोशन में आपको बताऊंगा, ठीक। अब एक क्वेश्चन है कि अगर मान लो कोई वेक्टर A वेक्टर है और एक वेक्टर B वेक्टर है, ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले ये डिस्कस करता हूं कि सपोज आपके पास कोई A वेक्टर है, बोलना जरा A वेक्टर क्या गिवन है, टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर क्या गिवन है, ठीक है, ठीक हो गया। मेरा क्वेश्चन है कि मुझे ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है, आपको मुझे एक नया वेक्टर निकाल के देना है, सी वेक्टर। मुझे ना ए चाहिए ना मुझे बी चाहिए, मुझे नया वेक्टर निकाल के दो सी वेक्टर। वो सी वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये मेरी कंडीशन है। गिवन ए वेक्टर, गिवन बी वेक्टर, फाइंड अ न्यू वेक्टर सी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एज वेल एज बी वेक्टर, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई आई कैप है वेक्टर है, जे कैप है वेक्टर है, तो मेरा आंसर क्या आता है, ये के कैप इज परपेंडिकुलर टू आई कैप एज वेल एज परपेंडिकुलर टू। द रूल बड़ा सिंपल है कि अगर मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं और उससे निकल के जो वेक्टर आएगा वो ऑटोमेटिकली इसके और इसके साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। मैं इसको एक और तरीके से समझाना चाहता हूं, थोड़ा और बेटर तरीका जो मुझे लगता है। मुझे ये लगता है कि आई जे के तो हमें रटे पड़े हैं, पता ही है 90 90 90 है, इसमें क्या याद करना। मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ, मान लो ये ए वेक्टर है, मान लो ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर में मैं एंगल 90 लेता ही नहीं, क्योंकि आई कैप जे कैप तो रटे पड़े हैं ना, 90 90 पता ही है 90 आएगा। लो ये मेरा ए वेक्टर, ये मेरा बी वेक्टर, 90 नहीं एंगल, चेक कर लो 90 नहीं है, ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर। मैंने आपसे ये कहा कि आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैलकुलेट करो, आंसर जो भी आया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर।
आप मुझे बताओ जो नया वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन कैसे आएगी? आप चार फिंगर लेंगे अपनी, ए क्रॉस बी करना है, ए पे रखेंगे, क्रॉस बी करेंगे, अपने फिंगर्स ए से बी पे लेके जाएंगे, थंब कहाँ आएगा? ऊपर। अब जो नया वेक्टर आएगा वो ऊपर जाएगा, वो वेक्टर ए के साथ भी 90 एंगल बनाएगा और वो वेक्टर बी के साथ भी एंगल 90 बनाएगा। अब चाहे ए और बी में एंगल 90 हो या ना हो, कहने का मतलब अगर दो वेक्टर एक प्लेन में है और मैं इनका क्या लेता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट, तो मेरा आंसर इस प्लेन में कभी नहीं आएगा, आउट ऑफ प्लेन आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो वो जो ऊपर का वेक्टर होगा वो इन दोनों के साथ तो 100% एंगल क्या बनाएगा, 90 ही बनाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक। तो मैं ये कहने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई वेक्टर ए वेक्टर है एंड बी वेक्टर है, इनमें एंगल 90 हो या ना हो, लेकिन जो क्रॉस प्रोडक्ट से आंसर आएगा ये वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होगा ही होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ इसके अंदर कि ए वेक्टर गिवन, बी वेक्टर भी गिवन, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर सी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मान लो ये क्वेश्चन है, तो आप सिंपली क्या करके देंगे मुझे, सी वेक्टर निकाल के देंगे, कैसे, ए क्रॉस बी से, मतलब आप ए क्रॉस बी कर देना, जो भी नया वेक्टर आएगा वो सी वेक्टर कहलाएगा, विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक? तो निकालें सी वेक्टर, सी वेक्टर विल बी इक्वल टू, ये लिखें आई कैप जे कैप माइनस एंड के कैप प्लस, ये लो, ठीक है यहाँ तक। कोफिशेंट्स लिखें, तो कोफिशेंट्स में इसका कोफिशेंट क्या है, टू, इसका क्या है, वन, इसका क्या है, वन, वन माइनस वन एंड टू, क्या स्टेप क्लियर है? तो इसका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें, अगर हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें तो क्या आएगा, आई कैप वन इंटू टू, वन इंटू टू माइनस वन इंटू माइनस वन, फिर माइनस जे कैप ले, माइनस जे कैप में इन्हें छोड़ दें, टू इंटू टू माइनस वन इंटू वन, प्लस के कैप ले तो टू इंटू माइनस वन माइनस वन इंटू वन, क्या है पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर आई कैप तो टू माइनस माइनस वन क्या बनेगा, थ्री, माइनस जे कैप क्या बनेगा, फोर माइनस वन इज थ्री, प्लस के कैप क्या बनेगा, माइनस टू माइनस वन इज माइनस थ्री, तो आंसर क्या आएगा, थ्री आई कैप थ्री जे कैप थ्री के कैप, क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो ये जो नया वेक्टर आया ये वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा, ये आपका आंसर है। कोई डाउट इसमें, क्लियर है? अब सपोज करो, ठीक, सपोज सी वेक्टर हो गया, ठीक, तो लेट अस सपोज ये सी वेक्टर हो गया। अब नया क्वेश्चन है, गिवन ए वेक्टर गिवन बी वेक्टर, जो भी दिया मैंने, अगर मैं पूछता हूं फाइंड अ वेक्टर सी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आपने सी वेक्टर निकाल दिया। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, फाइंड अ वेक्टर या फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर नहीं, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैंने क्या पूछा, पहला क्वेश्चन था फाइंड अ वेक्टर सी वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर, आंसर आ गया सी वेक्टर, तो ये मेरा सी वेक्टर आ गया। तो मैं ये कह रहा हूं कि फाइंड, सेम क्वेश्चन है, गिवन ए वेक्टर गिवन बी वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। आप मुझे ये बताएं, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन नहीं है, पर ये एक वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी वेक्टर तो है ना, एक काम क्यों नहीं करते इसी का क्या निकाल दें, यूनिट वेक्टर, क्योंकि सी वेक्टर तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ए और बी के, इसी का अगर यूनिट वेक्टर निकाल दें तो इसकी डायरेक्शन भी कहाँ जाएगी, सी वेक्टर के अलोंग जाएगी, विच इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आंसर क्या बनेगा, थ्री आई कैप थ्री जे कैप थ्री
के कैप, और मैग्नीट्यूड में आई का कोफिशेंट 3, जे का कोफिशेंट -3 एंड के का कोफिशेंट -3। तो आंसर क्या आएगा, 3i कैप 3j कैप 3k कैप √27। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? ठीक, आंसर कैसे निकलेगा? तो ये जो शीट का क्वेश्चन था ना, वो एग्जैक्टली यही तो था, कैलकुलेटिंग यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। भाई यूनिट तो बाद में निकलेगा, पहले वेक्टर तो निकाल लो। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी करके आपको एक नया वेक्टर निकालना पड़ेगा, मैंने शॉर्टकट लगा दिया, आप वेक्टर प्रोडक्ट निकाल लेना। फिर इसका क्या निकाला, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर क्या किया, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, दिस इज द आंसर।